बच्चों, आप सिक्स क्लास से संस्कृत पढ़ रहे हैं। आपने शब्द रूप और धातु याद भी करे थे। आज मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ, आप देखें किस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। इसमें मैं आपको धातु का प्रयोग और कारक का प्रयोग बताने जा रही हूँ। हमारे धातु में जो धातु प्रकरण है उसमें तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, जिसको आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, संस्कृत में वो प्रथम पुरुष होता है। कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से पढ़े होंगे आपने, ये कारक चिन्ह है। और बालक शब्द के रूप आपने याद करे थे, बालक, बालको, बालका। पत्रम यानी जो नपुंसकलिंग शब्द है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। और कलम जो नपुंसकलिंग होता है वो तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग की तरह उसके रूप चलते हैं। तो कलम शब्द यानी वैसे तो नपुंसकलिंग है, लेकिन इसके रूप आपके आने बालक की तरह चलेंगे, कलमेन, कलमाभ्याम, कलमे। अब यहाँ पे क्रियापद दिया है मैंने, आपने धातु रूप याद करे थे, पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति, लिखती, लिखता, लिखन्ति, ये वही रूप है लट लकार यानी वर्तमान काल में। तो कर्ता कारक बालक, अगर आप एक वचन का भी लेंगे तो धातु का भी एक वचन लेंगे यानी बालका लिखती। अगर हम इसमें कर्म कारक भी लगा देते हैं साथ में, यानी पत्रम, पत्र को, इसका चिन्ह को, तो पत्र को। कलमे, इसका चिन्ह से, यानी कलम से, कलम के द्वारा लिखती, लिखता है। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये बन गया, बालक पत्र को कलम से लिखता है। अगर हमारे पास दो बालक है तो दो बालकों के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा, बालको यानी दो बालक, पत्रे दो पत्र, कलमाभ्याम दो कलमों से लिखता लिखते हैं। दो लोग लिखते हैं तो आपको पूरी आपकी ये द्विवचन वाली लाइन चलेगी, चाहे वो धातु की हो चाहे वो शब्द रूप की हो। अब इसका सेंटेंस क्या बन गया, दो बालक दो पत्र दो कलम से लिखते हैं। फिर आता है बहुवचन में, बालका यानी बहुत सारे बालक, पत्राणि बहुत सारे पत्र, कलमई बहुत सारे कलमों से, लिखंती लिखते हैं यानी बहुत सारे बालक बहुत सारे पत्र बहुत सारे कलमों से लिखते हैं। तो इस तरह से आपका ये कारकों का प्रयोग धातु के साथ किस तरह से करना है, किस तरह से कर्ता कर्म करण आपस में मिलाने हैं, इस तरह से आपका ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। तो बच्चों इस तरह से एक वचन में आपका वाक्य बना, बालकः पत्रं कलमेन लिखति। कलमेन को आप पत्रम से पहले भी लगा सकते हैं। द्विवचन में बना, बालकौ कलमाभ्याम पत्रे लिखता। बहुवचन में बाकी बना, बालका कलमई पत्राणि लिखन्ति।
पुरुष जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन, इसमें रूप होती है त्वम, युवाम, युयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और युयम तुम सब। जिस तरह से आपने प्रथम पुरुष में किया था उसी तरह से हमें इन शब्दों के वाक्य बनाएंगे हम। और इसमें मध्यम पुरुष में हमारा ये बदल जाता है लट लकार में, ये पठन लिखनी की जगह आ जाएगा लिखसी, लिखता, लिखत। लिखसी तुम लिखते हो, लिखता तुम दो लिखते हो, और लिखत तुम सब लिखते हो। तो यहाँ पे आपका ये वाक्य बन गया, तुम पत्र कलम से लिखते हो, तुम दोनों दो पत्र दो कलमों से लिखते हो, और तुम सब बहुत सारे पत्र बहुत सारे कलमों से लिखते हो। तो यहाँ पर हम इस वाक्य को बनाएंगे। एक वचन में त्वं कलमेन पत्रं लिखसि, यहां पर यह ध्यान में रखना है कि ये मध्यम पुरुष जब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे मध्यम पुरुष की, तो धातु में से मध्यम पुरुष वाला जो रूप है वो ही हमें लगाना है। द्विवचन में हम करेंगे युवाम कलमाभ्याम पत्रे लिखता। और बहुवचन में ये पाएगा यूयम कलमई पत्राणी लिखत। इस यहां पे जो परिवर्तन हो रहा है इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में कर्ता और क्रिया यहां पर किस तरह से बदल रही है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों तीसरा हमारा आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात जिसको आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं यानी मैं। तो इसके रूप हमारे चलते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। इसी तरह से ये लट लकार जो क्रिया है ये भी बदल जाती है, यहाँ पे आ जाएगा लिखामी यानी मैं लिखता हूँ, लिखावर हम दो लिखते हैं, और लिखामर हम सब लिखते हैं। तो ये तो सब सेम है जो मैंने आपको प्रथम पुरुष में बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही है, केवल हमारा कर्ता और क्रिया बदलती है। तो इसका वाक्य हमारा बनेगा एक वचन में अहम कलमे पत्रम लिखामि। द्विवचन में आवाम कलमाभ्याम पत्रे लिखावः। और बहुवचन में वयम कलमै पत्राणि लिखामः। इस तरह से
ये आपके अनुवाद करने में काम आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना।